गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। अंग्रेजी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन ग्रामर के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश ग्रामर में टेंस का टॉपिक अपना चल रहा है, और अभी तक जो है अपन ने पढ़े हैं वो प्रेजेंट और पास्ट, दो टेंस कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज अपना जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान की बात करेंगे। अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो देखो, हिंदी वाक्य में क्रिया जो आएगी, वर्ब जो आएगी, उस वर्ब के बाद में क्या होगा? गागेगी, यानी कि रमेश आएगा, सीता जाएगी, मैं पढ़ूंगा, तुम सीखोगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है जो कि ये बताते हैं कि भी ये काम जो है निकट भविष्य में होगा, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी गई है तो उसको अपन कैसे करेंगे? तो देखो, एडवर्ब्स का यूज करते हुए कि भी अगर आपके सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ है या द नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट डे दिया हुआ है, या नेक्स्ट के बाद टाइम दिया हुआ है, या इन दे के फ्यूचर दे दिया, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। देखो, सपोज अभी 2020 चल रहा है, अब आपको दे दे इन 2021 यानी 2021, या इन 2025, या अभी अप्रैल चल रहा है, दे दे इन मे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन फ्यूचर आने वाले समय का जो टाइम को बताने वाले वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो भी किसका प्रयोग होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होगा। अब अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में देखो, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? दो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, विल और शैल। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में विल और शैल दोनों का कंसेप्ट है, जबकि अमेरिकन में सबके साथ जो है विल का ही प्रयोग करते हैं। अपन दोनों ही पढ़ लेते हैं। तो देखो, विल का प्रयोग किन के साथ होगा और शैल का प्रयोग किन के साथ होगा, ये देखते हैं। तो शैल का प्रयोग तो आपके सब्जेक्ट अगर आई और वी है, यानी फर्स्ट पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ आई और ये शैल का प्रयोग होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसके साथ जो है आपका शैल का प्रयोग होगा। इसके अलावा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी आया है तो आपका क्या लगेगा? विल। यानी कि अगर ही सी इट सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे एव, एंड सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर या प्लूरल, तो सबके साथ लगेगा विल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये भी स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे बनेगा, तो अगर बात करें अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल दोनों में से एक चीज आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल और शैल आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव टाइप का है तो सबसे पहले आपको विल या शैल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि भाई हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, हम टेंस पढ़ेंगे, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है हम, ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं, वर्ब क्या है पढ़ेंगे, टेंस ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ेंगे कि टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो सब्जेक्ट हमको कहते हैं वी,
अब वी के साथ विल लगेगा या सेल लगेगा, तो सेल लगेगा, सेल लगा दो, वी सेल पढ़ेंगे, पढ़ने को कहते हैं रीड, यहाँ पढ़ने का मतलब सीखने से है, तो अपन लगा देते हैं लर्न, वी सेल लर्न टेंस, क्या सीखेंगे हम, टेंस सीखेंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी सेल नॉट लर्न टेंस, और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, सेल वी लर्न टेंस, समझ में आई बात, इस तरीके से अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ सेंटेंसेस और बना के देख लेते हैं कि भी सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो यही अपना स्ट्रक्चर काम आना है, इसी के अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं कहूं कि भी मैं फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई शैल प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, शैल आई प्ले फुटबॉल, समझ में आई बात, इस तरीके से जो है अपन इसका सेंटेंस बनाते रहेंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि भी वह खाना पकाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सेंटेंस क्या है, वह सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और पकाएगी वर्ब है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करो, तो सबसे पहले वह को क्या कहेंगे, सी यानी पकाएगी, तो लड़की है या महिला है, तो सी, सी के साथ आएगा विल, अब पकाना को क्या कहते हैं, कुक, और क्या पकाएगी, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका फूड, ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, सी विल नॉट कुक फूड, और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल सी कुक फूड, समझ में आई बात, इस तरीके से जो है अपने सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है, तो कितने भी सेंटेंसेस आप ले सकते हो, स्ट्रक्चर सबका यही रहेगा, इसे स्ट्रक्चर से देखो एक आध और बना सकते हो कि भाई तुम बाजार जाओगे, ठीक है, तुम बाजार जाओगे, ठीक है, तो इसका प्रयोग भी कैसे करेंगे अपन, कि भाई यू विल गो टू मार्केट, नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू विल नॉट गो टू मार्केट, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल यू गो टू मार्केट, ठीक है, तो इस तरीके से अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो ये तो है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है अपने का फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। अब देखो कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी हो सकते हैं जो नेचर से आपको लगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वो प्रेजेंट के हैं, लेकिन टाइम किसका बताएंगे, फ्यूचर का बताएंगे, जैसा कि अपन ने सिंपल प्रेजेंट में भी किया था कि अगर प्लैंड एक्शन है, काम जो है भले ही कल होगा, लेकिन तय हो गया कि आज जो है कि कल ये करेंगे, तो अपन उसके लिए भी कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि भी आई गो टू विलेज टुमारो, अब देखो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट की होती है, लेकिन यहाँ टाइम मार्कर क्या आया है, टुमारो, यानी कि ये भी फ्यूचर का टाइम बता रहा है, भले ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, लेकिन अगर टाइम की बात करें तो ये भी फ्यूचर को ही बताएगा। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी अपने पढ़ा था कि भी वी आर गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक इन समर वोकेशन, ठीक है,
तो यानी कि समर वेकेशंस होगा तब हम जो है पिकनिक जाएंगे। तो देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का लग रहा होगा, लेकिन टाइम क्या बता रहा है, फ्यूचर का टाइम बता रहा है, आने वाले टाइम को शो कर रहा है। तो ये भी जो है टाइम फ्यूचर का ही बताएगा, भले ही ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिनोट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन सिंपल फ्यूचर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में अपन ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।